नमस्ते किसान भाइयों, मैं शहबाज शेख आपको लेके आया हूँ अमरावती ज़िले के तालुक का दरियापुर गांव योदा। यहाँ पर हमारे किसान भाई है फखरुद्दीन सर ब्योदा वाले, इनके प्लॉट में, इनका प्लॉट है उदासी साहब के तंत्र का। हम फखरुद्दीन भाई से जानेंगे कि इन्होंने उदासी साहब के तंत्र से जो प्लॉट किया तो इसमें जैसा सीट कितना, एक पर एक कर सीट कितना डाले और इसको ट्रीटमेंट क्या क्या किए और ये इसका अंतर कितना है ये भी जान लेंगे उनके तरफ से। फखरुद्दीन भाई, आपने क्या क्या किया और ये पहले से पूरा बताइए कि कितना अभियाना लिया, उसको क्या किया। ये मैंने सर के तंत्र से किया है। इसका अंतर जो है चने का 20 इंच का है, 20 इंच, और इसको मैंने फोरेट और सिंगल सुपर फास्फेट पहले फेंकता हूँ, फिर दौर इसकी बखरनी थी, उसके बाद में फेरने से पहले मैंने थोड़ा सा वो यंत्र के अंदर खाद वगैरह डालने का सिस्टम नहीं था, जिसके कारण मैंने पहले फूक दिया। हाँ हाँ, तो हाई पावर शक्ति गोल्ड और 20-20-0-13। और सर ने बताया था कि जितना भी आप कम लोगे उतना ही आपका उत्पादन बढ़ेगा और वो माल के अंदर वेट आएगा, शाइनिंग आएंगी, जो सर ने बताए थे स्प्रे करने से। तो शुरू से ही मैंने ह्यूमिक जेल और बाविस्टीन की सीड ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में अपने पहली फवारनी ह्यूमिक जेल चैलेंजर की किया, भूसीनाशक उसमें, और सेकंड चमत्कार और फ्लोर स्टॉन्ग उसके साथ में भूसीनाशक लिया था मैंने, दोनों कंटिन्यू फॉरों में मैंने भूसीनाशक और इल्लीनाशक लिए थे क्या? इल्लीनाशक भी लिया। कौन सा? न्यू हंटर लिया, और सेकंड फवारनी में न्यू हंटर लिया, पहली फवारनी मैंने इमोमेक्टिन लिया था और थर्ड फवारनी अपनी इमोमेक्टिन और एमिनोजोल कॉम्बो। तो उससे ये एमिनोजोल जेल कॉम्बो से अभी तक इसकी क्वालिटी बनी हुई है और फ्लावर भी कन्वर्ट हुआ है गाँठों के अंदर। तो मुझे सौ के सर के तंत्र पर 100% बल्कि 200% भरोसा है कि सर का तंत्र वाकई में अद्भुत है। और तुमको हर साल से इस साल के चने में ऐसा कोई फर्क दिख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, झाड़ से लेकर उसके गाँठों की संख्या तक के मुझे फर्क दिख रहा है। ब्रांचेस जहाँ पे जनरली एक या दो होती थी वहाँ पे 4 से 5 तक के ब्रांचेज आएगी है, और उसकी जो डांग की साइज़ है वो उसकी ग्रोथ भी हुई है, और जहाँ पे 7 और 8 गाँठे लगते थे आज वहाँ पे 10 से 11-12 तक है। वैसा मैक्सिमम लोग कितने किलो पेरते हैं एक एकड़ में? यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो 45 से 30 तो बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन जनरली 45 सरासरी 40 से 45। तो तुमने 40 से 45 15 या 10 किलो कम डाले? नहीं, 30 भी किलो नहीं है इसमें। एक्चुअली वो कैसा हुआ था, यानी दो दो पट्टे पद्धत किए तुमने, एक 30 किलो का किया और एक 25 किलो, और तुमको 30 किलो और 25 किलो में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो 30 किलो का थोड़ा सा ग्रोथिंग कम हुआ है, कम हुआ है, और ये 25 किलो में ग्रोथिंग ज़्यादा हुआ है। गाँठों तो आप हमारे किसान भाइयों को बता सकते हैं कि ब्रांचेस बताइए, कुछ बताइए। निकाल रहे बाबा, देखो यहाँ जूम करके देखो कि ये एक झाड़ है, ये एक झाड़ है, ये एक झाड़ है, उखाड़ो उसको, उखाड़ो उसको, उखाड़ के बता दो। देखो किसान भाइयों, यहाँ से ये एक झाड़ है, और अब ये एक झाड़ के हम गिनेंगे कि इसको कितने ब्रांचेस है। आ जा नमन वीडियो में गिन भर, मेन ब्रांचेस गिनेंगे, उपफांदा नहीं गिनेंगे। ये देखो उपफांदा छोड़कर इसको खाली एक में गिना जा रहा है, एक उपफांदा छोड़ के इसको दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ है, ये आठ है, आठ आठ 16 और 8 चौबीस मेन ब्रांच, और हर ब्रांच को उपफांदी देखो कि हर ब्रांच को कम से कम, इसको मैंने एक गिना था, अब इसको उपफांदी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 उपफांदे हैं। इसको ये देखो ना, ये भी दिखाओ ना कि ये माल देखो कैसा लगा है, इसको देखो घाटी कितनी लगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सीरीज बाकी है, और हाँ सीरीज भी बाकी है उसकी। तो किसान भाइयों देखो, आप जो कहते हैं कि मेरे तंत्र का ये अद्भुत कमाल है, तो हमारे को ये देखने को मिल रहा, और ये भी कोरड़ मऊ प्लाट है,
इनका फखरुद्दीन सर का, और पानी दिया एक पानी दिया इनके पास पानी की सुविधा कम थी इसलिए इन्होंने इसको एक पानी दिए, तो एक पानी कोई मायने नहीं रखता। ऐसा है कि कोरल वही छह प्लॉट है, तो प्लॉट दिखा बाबा पूरा प्लॉट दिखा दे कैसा है। तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ओके।